करने की। इसके अपने मेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक कायदा कानून होता है। द लॉ ऑफ द लैंड कैन नॉट बी वायलेटेड, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी ओबेड। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर है, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब LG ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब दो बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या LG ऑफिस के यहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है? आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? Do they want to retrieve land or do they want to humiliate the people of Kashmir? मुझे लगता है humiliation is more important for them. कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। What nonsense is this? What are they doing? और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो। वहां आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है, वहां किसी के पास कोई लैंड नहीं है। या हमारे LG साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली? अब यहां आके कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड that at the end of the day it is a makeshift temporary arrangement. They should leave some bigger decisions to the new elected government. They can't take all the decisions. At the end of the day they are not elected by people. ye kitni bhi baat kare hindustan ke aain mein states ka alag power hai aur union government ka alag power hai. yahan election nahi hue hain isliye union government ne kisi bande ko bheja hai ki bhai sahab aap tab tak dekhrekh karo. No, he can't take decisions on behalf of the people of J&K. You know, I appeal to my Prime Minister कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो। और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान है, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान है, 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा LG कौन है? यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं एक कबाल है ऑफिसर्स का, 5 हैं 7 हैं 8 हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं, ये उनका कबाल है। और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे, वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इंपैक्ट होगा वो किसने करना? ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड, दिस देम एंड अस। कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे, और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस जस्ट कैन नॉट बी ट्रू दैट अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल आर एंजल्स हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम अर्थ,
ना उनने पीछे कोई गलती की है ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स, डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा, ये भी लिख लेना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहां, ये याद रखें। सजाद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे तोड़ के खुले हैं लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इविक्शन ड्राइव्स होंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? I don't know. I mean to say, if I were in his place, I would not make such a distinct statement. और कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहाँ से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ। तो कोर्ट और ये क्या है, दे शुड कम आउट ऑफ दिस एरोगेंस, लेट हिम ऑल्सो कम आउट ऑफ हिज एरोगेंस। ऐसे बयान नहीं देते हैं। बुलडोजर इज नॉट समथिंग दैट इंडिया शुड बी रिप्रेजेंट विद इन कश्मीर। इंडिया शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई कंपैशन, बाई लव एंड बाई अफेक्शन। I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That is the last thing that we should see. मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दे आर नॉट गिविंग एनी नोटिस। मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि 300 पुलिस ऑफिसर जाता है, फिर उसके साथ अमला होता है, फिर एक गरीब के घर जाते हैं। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ब्रेवरी इन दिस। ये तो बेगैरती है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है। आप जाते हैं फिर तोड़ते हैं फिर फोटो उठाते हैं, जनाब हमने बड़ा काम किया है। आई डाउट इट, आई रियली डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम। नहीं नहीं, हम नहीं मिलने जाएंगे यार, हमको कहाँ मिलने देंगे वहाँ। अब जाएंगे जो करंट रिजीम है इसके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कैमरा मिली हुई है, योर टेक ऑन दिस? यार मेरी तो फैमिली में ये हुआ, मेरी सिस्टर का हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए इसी बेशर्मी से। वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दिस बेशर्मी। अब कहाँ गई वो ए टीम बी टीम? मेरे घर में नहीं चला बुलडोजर क्या? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आने वाले हफ्तों में सजाद साहब, अगर ये कार्रवाई मजीद जारी रही तो क्या अगर हमें लगा, हम सोच रहे थे अभी हम करेंगे, एक वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज ऑन द टेबल इज टू गो टू दिल्ली एंड एटलीस्ट सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा, बट एटलीस्ट वी कैन शो देम दैट व्हाट इज हैपनिंग टू अस। वी विल ट्राई, बट अभी यू नो वी आर अभी हम अपने पार्टी में पूरा मशवरा करके दैट हाउ डू आई विल टेल यू वन थिंग, आई हैव नेवर बीन सो हेल्पलेस एंड आई डोंट थिंक एनीबडी हैज बीन सो हेल्पलेस। दे स्टार्टेड ऑफ कि हमने जी बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ करना है, और एक और चीज मैं भूल गया, मेरे पास भी लिस्ट है, हम वेट कर रहे हैं जो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। मेरे पास लिस्ट है, जब ये सब खत्म होगा फिर हम वो लिस्ट रिलीज करेंगे। अभी तक उनको ना नोटिस गई है ना इनको किसने टच किया, बिकॉज दे आर वेरी 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 बिग। जम्मू में कुछ और कश्मीर में कुछ। सजाद सर, बहुत सारे लोगों को नोटिस दी है, तो उनका ये कहना है कि उनको 70 साल पहले 21 साल पहले वहां पे मकान बनाया, अजदादों के मकान है, उसी लैंड को बोल रहे हैं कास्ट चराई है। हो सकता है उस वक्त वो कास्ट चराई हुई होगी, क्या देखेंगे तो फिर कौन बचता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? आई डोंट नो व्हाई दे आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, दैट्स ऑल आई कैन से। हमने भी जो देखा हुआ है इसमें, मतलब पहले इन्होंने बोला था कि हम गरीब को टच नहीं करेंगे। आई थिंक दे नीड टू डिफाइन गरीब क्या है, किनको। इनको हर कश्मीरी मुसलमान, अगर वो भिखारी भी है वो भी अमीर लगता है, प्रॉब्लम तो वो है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर।
अब इनको मतलब अगर बेचारा कोई कश्मीरी मुसलमान होगा जिसको कुछ इनको वो भी बहुत अमीर लगता है, सो लेट देम एटलीस्ट डिफाइन हु इन देयर आइज इज इकोनॉमिकली एट अ सर्टेन लेवल हु शुड नॉट बी टच्ड। सर कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर आप किस नजर से देखते हैं? हमने देखा दफा 370 के मुंशिफ के बाद कश्मीर के जितने भी मंजे हुए पोलिटिकल लीडर थे हमने जेड में देखा, अभी बुलडोजर बाबा ज्यादातर जितने मंजे हुए पोलिटिकल लीडर्स उनकी घर की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर का पोलिटिकल फ्यूचर आप किस नजर से देखते हैं? यार पोलिटिकल फ्यूचर में मैं क्या बताऊँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इट्स लाइक लिविंग इन अ हेल। इट्स लाइक लिविंग इन बाइवर्स ऑफ लॉ। Is there any provision for the common masses to, you know, इसके बारे में वो वापस क्या कोई एक्शन कर सकते हैं अगर लॉ के प्रिज्म के थ्रू देखें हम? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो सरकारें होती हैं, what I have read my economics, सरकारें is about eradicating homelessness, it's about, you know, even in rich countries अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है उसको डोल देते हैं कि भाई साहब आपके वो तनख्वाह नहीं है आप यहाँ से ले लो। ये जो इन्वेंटिंग होमलेसनेस है, क्रिएटिंग होमलेसनेस है, दिस इज अ न्यू मॉडल इन इकोनॉमिक्स। आई विल नॉट डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मेरे पास तो कुछ नहीं है बचाने के लिए यार। अगर चेशी की तो सिद्धि में मिशन मकान त्याज के अगर देख तो मुझे राटन खतरता यार। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, एंड आई शुड नॉट कमेंट ऑन व्हाट ही सेड, बट लोगों को बचाइए, ये बड़ा मजे से लोगों की टांगे तोड़ देंगे। लोगों को पीछे रखिए, हमें आगे जाना चाहिए। वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट, पीपल शुड नॉट बी आस्क्ड टू प्रोटेस्ट बिकॉज दे विल मारेंगे उनको, जेल में बंद कर देंगे। लोगों को सामने मत लाइए, हमें आगे आना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बुलडोजर नहीं रुका तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए? किसका? एनीथिंग दैट स्टॉप्स, अगर ये कल बोलते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, मैं अभी हो जाता हूं अगर ये रोकते हैं। पहले बोल तो दे लेंगे भाई इकट्ठे हो जाओ तो हम रोक लेंगे। सो लुक, आई विल टेल यू समथिंग, इट इज माइट वर्सेस राइट, इट इज नॉट द लैक ऑफ पॉपुलैरिटी और द और इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है जिसकी ऑन द बेस, इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू अंडरस्टैंड दैट। इट इज नॉट द, इट इज बिकॉज दे आर इन पावर, दे हैव पुलिस विद देम, दे हैव सिक्योरिटी फोर्सेस विद देम, दे हैव पावर विद देम, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। आप और मैं इकट्ठे हों अलग हों, आई डोंट थिंक इट विल चेंज देयर बिहेवियर। मतलब हम क्यों किसी की कॉल का वेट करें, लेट एनीवन मतलब कोरस फॉर टू गेट अ जॉइंट गैदरिंग और व्हाटएवर सो फॉर द पीपल। हम अपने एंड पर, आई टोल्ड यू वी विल सर्टनली डिस्कस मैटर। देखो यार एक चीज़ है, कोई चीज़ एक्सेसिबरेट नहीं होनी चाहिए। आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट यू आर नॉट डीलिंग विद अ नॉर्मल इशू, यू आर डीलिंग विद एन इशू वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस डिसीजन सीम्स टू बी डीपली, दे सीम टू बी डीपली डीपली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। सो यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पीपल, यू आर टॉकिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्रॉबली साइकोलॉजिकली कुछ डिस्टर्बेंस है, कभी चाइल्डहुड में कुछ हुआ होगा और प्लस टेक्स भी हैं बहुत ज़्यादा उनके इन अ सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो लोगों को ऐसे धकेलना या बोलना जरा मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, दिस इज एन ईरा ऑफ हेल्पलेसनेस। लेट्स होप दैट समथिंग फ्रॉम द टॉप कम्स, और लेट अस होप कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है दैट सैनिटी प्रिवेल्स ऑन देम एंड दे डू अंडरस्टैंड दैट व्हाट। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अल्लाह ताला का कानून बड़ा होता है। यहाँ एक और आईएएस ऑफिसर था बहुत बड़ा, उसको भी लगता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी 8 घंटे क्वेश्चनिंग हुई उसकी दिल्ली में कुछ दिन पहले। ये मेरा अल्लाह इन सबको क्वेश्चनिंग में पहुंचा देगा। ये जो होता है ये रहता नहीं है, वो दे रहा है वहां टाइम सीबीआई के पास। मेरी शबनम को माई सिस्टर वॉज नॉट गिवन एनी नोटिस एंड मुझे उसमें कोई बात नहीं, उन्हें किया उस पर आई डोंट वॉन्ट कि भाई क्यों किया, बट नो like everybody else he was not given any notice, koi notice. Lawmakers are violating the rules. Sajjad sir, jitne bhi state laws yahan pe laye gaye ya kuch laws mein amendment kiye, kya zati taur par ya aapki party ye message tak ye kahin na kahin yahan pe demographic change ka khadsha hai? Nahi, demographic don't link it to that,
यार प्रॉब्लम आपका ये है कि आप अच्छे केस को भी खराब करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये तामन सुनो, दैट इज वाई वी आर हेयर सो हेल्पलेस। यार वो दीवार फिल्म थी वो किसी ब्यूरोक्रेट ने देखी है, वहाँ उसमें बोलता है वो अमिताभ बच्चन कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है, तो इनका भी यही है, जो ये बोलते हैं वही कानून है। सो ये जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन है दीवार की, जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है। सो व्हाट डू यू डू, आई मीन टू से दिस इज हाउ दे आर, ऑल वी कैन डू इज यू नो जस्ट प्रे एंड हैव सम स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो टॉक टू एंड यूज सोशल मीडिया टू सी दैट the issues of humanity, the issues of poverty, that we are able to advocate and highlight. Wo ek cheez hai. Sir, mera ek sawal hai aapse. With this mood, there has been constant fear, anger and anxiety, chaos among the people. And in earlier press statement today, former chief minister said that they have proposed a proposal for the government wherein they are stating that those who claim the government where they claim that they want to some property, retrieve some property, you know, they should be given the notices and all that. But yeah, at the same time, government, the authorities in the Jammu and Kashmir are very adamant on their stand. Despite of showing the papers, likewise, former Chief Minister Omar Abdullah gave the example of Muzaffar Shah Nidos. They showed their documents, but despite of that, the eviction drive was held, retrieval process was held. I want to know from you, what is people's, as far as your party is, what is your stand? Administration is adamant on their stand, they are not ready to go down on it, and they are stating that it's people friendly. And at the same time, you are criticizing and terming it, this is not a bravery, this is quite disgusting what they are doing. So I want to know from you, what is the position of your party on this? Agar administration ko lagta hai ki ye people friendly hai, jo nahi demolition hai, usme wo chale jaye khud सिक्योरिटी के बगैर, बैठ जाए वो डेमोलिशन करे। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू अंडरस्टैंड यू आर डेमोलिशिंग अ हाउस, हाउ कैन इट बी पीपल फ्रेंडली। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस बिग बिजनेस हाउसेज और बिग लैंडेड प्रॉपर्टीज, लेकिन ये आधा कनाल, तीन मरला, चार मरला, पांच मरला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? और डेमोलिश क्यों करें? दे कैन ऑलवेज सील इट। जैसे वहाँ जम्मू में एक वो था चार मरले पर, उसको डेमोलिश कर दिया भाई, दे कुड हैव सील्ड इट। सीलिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो दिस होल आइडिया ऑफ बींग गारमेंट्स कांट बी सीन एज प्यूनिटिव। ड्राइव तो यार हम कर रहे हैं, हमने जो सारा बोला इट्स अबाउट दैट। थैंक यू सो वेरी मच।